दोस्तों, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसके ज़रिए इस कोरोना को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। तो आप मेरा वीडियो स्किप ना करें, और प्लीज़ हो सके तो आप इस वीडियो को ये बात देख जरूर लें। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है, और अपने गवर्नमेंट ने भी सभी लोगों से एक सुझाव मांगा है कि जिसके पास कोई सुझाव है कि कोरोना को कैसे ख़त्म किया जा सके, तो वो अपना सुझाव दे सकता है। तो मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरा ये अपनी राय है कि अगर थर्मल स्कैनर, जो कि टेम्परेचर नापने के काम आता है, और अभी फ़िलहाल ये एयरपोर्ट वगैरह में ही यूज़ किया गया था, तो मेरा मानना है कि अगर थर्मल स्कैनर को जिस एरिया में कोरोना का ज़्यादा प्रकोप है, उस एरिया के हर चौराहे पे कोरोना थर्मल स्कैनर को यूज़ किया जाए, जो भी आसपास लोग निकल रहे हैं उनको स्कैन किया जाए उसके जरिए, तो उसके जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो उस बंदे को साइड में करके, और उसको और भी लक्षण जांचने के बाद अगर लगे तो उसको पीसीआर टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। पीसीआर टेस्ट के जो होता है वो लैब में होता है, इसके ज़रिए ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति में कोरोना का प्रकोप नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो मेरा दोस्तों यही मानना है, मेरे पास भी कोई ऐसी राय है तो आप गूगल क्रोम पर जा कर के MyGOV.in पर जा कर के आप अपनी राय साझा कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके MyGOV ऐप डाउनलोड करके उसमें भी आप अपनी राय दे सकते हैं, और ये राय होम मिनिस्टर के पास, मोदी जी के पास पहुंचेगी, और वो इस राय को अगर लगी अच्छी लगेगी आपकी राय, तो वो इसका इस्तेमाल कोरोना को रोकने में करेंगे। और अगर लगता है कि आपकी राय बहुत ही अच्छी है, कारगर है, तो उसके ज़रिए वो आपको इनाम भी देंगे। ये उसमें MyGOV में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी आइडिया आपको अच्छा लगी है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी काफ़ी ऊपर तो पहुंच सके और देश को कोरोना से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।